नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल V2 नर्सिंग पे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, आपने देखा होगा कल एक लेटर जारी किया गया था स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, और जिसमें जो है नर्सिंग स्टाफ का परिचारिका श्रेणी ए का उसमें आरोप से संबंधित पत्र जो है मांगा गया है, आरोप से संबंधित ब्यौरा मांगा गया है हर एक मेडिकल कॉलेज से या सदर अस्पताल से, या जितने भी बिहार में मेडिकल कॉलेज हैं या सदर अस्पताल हैं, जितने भी हॉस्पिटल संचालित हैं, उन सभी से जो है ब्यौरा मांगा गया है स्टाफ नर्स ग्रेड ए के बारे में। ठीक है, क्या उनके ऊपर किसी प्रकार का आरोप जो है निर्धारित किया गया है या नहीं किया गया है, इससे संबंधित आरोप पत्र मांगा गया है। तो आरोप पत्र क्या होता है, क्यों मांगा गया है, ठीक है, वो हम इस वीडियो में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आरोप पत्र मांगने का क्या कारण है। ठीक है, मंत्रिमंडल सचिवालय की तरफ से एक लेटर जारी किया गया है जिसमें उसमें उल्लेखित है कि आरोप पत्र क्या होता है और क्यों मांगा जाता है ट्रांसफ़र से पहले। ठीक है, किसी भी विभाग के लिए यह हर एक विभाग, जो भी बिहार में विभाग हैं, जितने भी विभाग हैं, वो सभी पे ये लागू होता है, और क्यों मांगा जाता है वो हम भी इस वीडियो में आपको बताएंगे। उससे पहले देखते हैं कि वो पत्र में क्या लिखा हुआ है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको विभाग से रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन होंगे, स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन होंगे, वो हम आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। ठीक है, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखते हैं वो पत्र में क्या कुछ मांगा गया है। आप यहाँ पे देखिए, ये वो पत्र है, यहाँ पे देखिए जो निदेशक प्रमुख हैं डॉक्टर अनिल कुमार तिवारी के द्वारा यह मांगा गया है। आप यहाँ पे देखिए, जितने हॉस्पिटल बिहार में फंक्शनल हैं, मेडिकल कॉलेज, सिविल सर्जन या जितने भी हैं, आप देख लीजिए, टीबी हॉस्पिटल है, टीबी कॉलेज है, आयुर्वेद कॉलेज है, आपका IGMS है, जितने भी हॉस्पिटल हैं वो सबसे जो है ये ब्यौरा मांगा गया है। आप यहाँ पे देखिए, विषय परिचारिका श्रेणी ए GNM कर्मियों के आरोप से संबंधित सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में। ठीक है, जो भी स्टाफ नर्स ग्रेड ए हैं उनके ऊपर कोई भी आरोप है तो वो आरोप किस प्रकार का है, किसे आरोप माना जाएगा, वो हम आपको बताते हैं। आरोप से संबंधित सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में, ठीक है, आप यहाँ पे देखिए, उपयुक्त विषय में संबंध में कहना कि आपके अधीन या जितने भी आपने देखा ऊपर में जो हॉस्पिटल के जो ऑथराइज पर्सन हैं, ठीक है, उनके अधीन संस्थानों में कार्यरत नियमित परिचारिका श्रेणी ए, नियमित यानी जो परमानेंट स्टाफ हैं, नर्सिंग स्टाफ हैं, कर्मियों से संबंधित आरोप की सूचना निम्नांकित प्रपत्र के अनुसार 2 दिनों के अंदर विशेष दूत के माध्यम से अधो हस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित की जाए। ठीक है, अधीनस्थ संस्थान क्या होता है कि मान लेते हैं आप मेडिकल कॉलेज में कार्यरत हैं तो उनका जो सुपरिटेंडेंट है, जो अधीक्षक हैं, वो उनके अंडर आप काम कर रहे हैं, तो उन्हें प्रेषित किया गया है कि आपके अंदर जो भी स्टाफ नर्स ग्रेड ए काम कर रही हैं उनके ऊपर आरोप से संबंधित सूचना जो है 2 दिन के अंदर विशेष दूत के माध्यम से पटना पहुँचाया जाए। ठीक है, अब देखिए किस प्रकार का ब्यौरा मांगा गया है। तो क्रमांक संख्या, ये हर एक हॉस्पिटल अपना एक डाटा बनाएंगे, ठीक है, उसमें से जितने स्टाफ के ऊपर आरोप होगा, ठीक है, वो क्रमांक संख्या में, उसके बाद उसका नाम और वरीयता क्रमांक। वरीयता क्रमांक क्या होता है, एक वरीयता क्रमांक 10 साल का होता है। ठीक है, अगर वरीयता क्रमांक की बात करें तो 10 साल का जिन्होंने अपना टेन्योर पूरा कर लिया है या 1 से लेकर 10 साल तक का जो वरीयता होता है वो क्रमांक 1 में आएगा, जबकि 10 साल से लेकर के 20 साल जो होगा वो आप समझ लीजिए एक तरह से ये वरीयता क्रमांक दूसरे में आएगा, जबकि 20 साल से 30 साल तक जो होता है वो नंबर 3 पे जाएगा। ठीक है, ये वरीयता क्रमांक होता है, इससे सीनियरिटी जो है, एक तरह से प्रमोशन आप जिसे कहते हैं, प्रमोशन जो है वरीयता क्रमांक पर ही दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद गृह जिला कहाँ है, सेवानिवृत्ति की तिथि कब है, कब रिटायर करने वाले हैं, उसके बाद पदस्थापन संबंधित अधिसूचना, आदेश संख्या एवं तिथि, ठीक है, वो किस अधिसूचना के माध्यम से ज्वाइन की है, आदेश संख्या क्या है और उसका डेट क्या है। उसके बाद सातवें में देखिए क्या है पॉइंट में, आरोप से संबंधित विवरण। आरोप से संबंधित विवरण क्या है कि उस नर्सिंग स्टाफ के ऊपर किस प्रकार का आरोप लगा है, ठीक है, वो आरोप क्यों लगा है,
ठीक है, और उसके एवज में आपने उनसे आपने उनके लिए क्या जो है कि कदम उठाए हैं, ठीक है, क्योंकि दंडित करने का भी प्रावधान है उस लेटर में, तो आपके द्वारा किस प्रकार का आरोप से संबंधित विवरण यहाँ पे आपने किया, क्या किया। उसके बाद अभियुक्ति है, ठीक है, अभियुक्ति में आपने आप कुछ भी जो भी आपके द्वारा किया गया है या अभियुक्ति में कुछ भी लिख सकते हैं, वो विभाग के द्वारा ये आपका जो आप अधीनस्थ जो संस्थान है उनके द्वारा अभियुक्ति में लिखा जाएगा, ठीक है। तो यह जो है आप देखिए 19 तारीख का लेटर है, ठीक है, निदेशक प्रमुख के द्वारा मांगा गया है। अब हम आपको दिखाते हैं कि जो मंत्रिमंडल सचिवालय की तरफ से जो एक पत्र आप लोग अभी देख रहे होंगे सर्कुलेट हो रहा होगा वित्त विभाग के ऊपर, तो वो जो लेटर आपने देखा है वो हर एक जितने भी प्रधान सचिव हैं यानी जितने भी विभाग हैं वो सब पे लागू होता है। ये नहीं कि वित्त विभाग की तरफ से वो लेटर हेड पे आ रहा है तो वो वित्त विभाग के लिए ही है, ठीक है, वो जितने भी विभाग हैं बिहार में वो सब पे लागू होगा वो नियम, ठीक है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि आरोप पत्र में किस प्रकार का जो है वर्णन किया हुआ है उस पत्र में, ठीक है। तो चलिए, तो देखिए शायद आप लोगों के ग्रुप में ये वाला पत्र जो है वित्त विभाग का, ये निर्णायक दास जो हैं, ये लेटर आपके ग्रुप में आ गया होगा शायद, ठीक है। इसका विषय देखिए क्या है, सरकारी सेवकों के स्थानांतरण पदस्थापन के संदर्भ में बनाई गई नीति एवं प्रक्रियाओं का दृढ़ता से पालन सुनिश्चित कराने के संबंध में। तो ये जो है वित्त विभाग को लिखा गया है, ठीक है, और ये ही सेम लेटर हर एक विभाग में गया हुआ है, ठीक है, सिर्फ ये वित्त विभाग का आपके पास आया है, जबकि हर एक विभाग में जहाँ जहाँ स्थानांतरण और पदस्थापन का जो कार्य चल रहा है वो सब विभाग के द्वारा जो है इस प्रकार का एक लेटर जो है सर्कुलेट किया गया है। आप यहाँ पे आगे हम आपको दिखाते हैं, देखिए ये आपका मेन है, ठीक है, जो कि 2007 का नियम बना हुआ है, ठीक है, संकल्प मंत्रिमंडल सचिवालय समन्वयक विभाग, ठीक है। इसमें देखिए क्या है, सरकारी सेवकों के स्थानांतरण पदस्थापन से संबंधित नीति प्रक्रिया का निर्धारण मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वयक विभाग के संकल्प 2080 के द्वारा किया गया था। हालांकि ट्रांसफ़र का जो नियम है, ट्रांसफ़र का क्या नियम है, ट्रांसफ़र कब किया जाता है, ठीक है, और कितना किया जाता है, हम इसके लिए एक अलग वीडियो आप लोगों के लिए बना देंगे, उसमें हम आसान भाषा में आपको पत्र को समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और ये सिर्फ हम आरोप पत्र के बारे में आपको बता देते हैं, आप इसमें देखिए आरोप पत्र के बारे में क्या कुछ कहा गया है, ठीक है, आप यहाँ पे देखिए, उसमें हम ये भी बताएंगे कि किस पद के लिए जो ट्रांसफ़र किया जाता है, पोस्टिंग किया जाता है, वो किस माध्यम से, किस लेवल के पदाधिकारी के द्वारा या मंत्री के द्वारा या मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये है ना सरकार के प्रधान सचिव हैं, और ये सभी प्रधान सचिव, सभी प्रमंडलीय आयुक्त, सभी विभागाध्यक्ष, सभी जिला पदाधिकारी और सभी पुलिस अधीक्षक, ये सिर्फ एक विभाग के लिए नहीं है, ये सारे जितने भी विभाग बिहार में काम करते हैं वो सबके लिए ये निर्देशित है, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए, वही नियम है, सरकारी सेवकों के स्थानांतरण पदस्थापन के संबंध में बनाई गई नीति, ठीक है। आप यहाँ पे चलिए देखिए, यहाँ पे क्या क्या कंडीशन में जो है स्थानांतरण पोस्टिंग किया जाता है इसके बारे में इसमें वर्णित किया गया है। आप यहाँ पे देखिए आपका आरोप पत्र, देखिए यहाँ पे आपका वर्णन है, देखिए यहाँ सबसे पहला देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, स्थानांतरण पदस्थापन हेतु बाह्य व्यक्तियों द्वारा किए गए अनुरोध पर विचार ना किया जाए एवं वैसे सरकारी सेवकों से स्पष्टीकरण प्राप्त करके उनके स्थायी चरित्र पुष्टि में इसे अंकित किया जाए। एक तो ये स्पष्ट है, हालांकि नियम नियम होते हैं, आपको पता है नियम कितना काम करता है। इसमें ऐसा कहा गया है कि आप अपने ट्रांसफ़र पोस्टिंग में किसी बाहरी व्यक्ति से किसी प्रकार का मदद ना लें, ठीक है। अगर आप मदद लेते हैं, अगर जो इसका जो है आपके द्वारा अगर जो पता चलता है कि हाँ आपके द्वारा मदद लिया गया है, तो आपका जो सर्विस बुक है, यहाँ पे देखिए चरित्र पुष्टि जिसे आप कहते हैं, सर्विस बुक है, उसमें अंकित कर दिया जाएगा, ठीक है। हालांकि देखिए हम आरोप के बारे में बताते हैं, देखिए प्रशासनिक दृष्टिकोण से वैसे सरकारी सेवक जिस पर कोई आरोप निरूपित किए गए हैं, यही आरोप है जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। सरकारी सेवकों जिस पर कोई आरोप निरूपित किए गए हैं या उनके द्वारा संपादित किए गए कार्यों में अवहेलना बरती जा रही हो, अवहेलना मतलब आपको जो काम दिया गया है आप शायद उन्हें ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं या करने में कोई गलती कर रहे हैं, देखिए, या वे अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, काम में लापरवाही की जा रही है, नेग्लिजेंस जो है उस कार्य में दिख रहा है,
तो उनसे नियमानुसार स्पष्टीकरण प्राप्त कर दंडात्मक कार्रवाई की जाए, ना कि हस्तांतरण। जिनके ऊपर आरोप लगते हैं नेग्लिजेंस का या लापरवाही का, तो उनसे स्पष्टीकरण ले करके उन्हें दंडित करने का प्रावधान है, ना कि उन्हें ट्रांसफ़र कर दिया जाए। ठीक है, इस लेटर में लिखा हुआ है। वैसे सेवक के मात्र स्थानांतरण से मूल समस्या का समाधान नहीं होता है। तो एक नियमित स्टाफ के लिए जो दंडात्मक होगा वो क्या हो सकता है, हद से हद उनका उस दिन का वेतन को जो है काटा जाएगा। और दूसरा है सस्पेंशन। ठीक है, नौकरी से बर्खास्त करने का जो अथॉरिटी है वो आपका सचिवालय के जो मंत्रिमंडल हैं वहीं से होता है। किसी भी, आपने देखा होगा जो डॉक्टर को जो बर्खास्त किया जाता है तो वो कैबिनेट के डिसीजन से ही किया जाता है। ठीक है, तो वेतन का कटौती या फिर सस्पेंशन, यही दंडात्मक दिया जा सकता है। यहाँ पे ट्रांसफ़र का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन इससे पहले जितने भी इस प्रकार का घटना जो हुआ है उसमें सबको ट्रांसफ़र ही कर दिया जाता है प्रशासनिक दृष्टिकोण से। ठीक है, तो ये वही आरोप हैं अगर आपके द्वारा, किसी भी नर्सिंग स्टाफ के द्वारा कार्य में किसी प्रकार का कोई लापरवाही या नेग्लिजेंस या किसी प्रकार का जो है, मतलब जो नियम से विरुद्ध आपने अगर जो कोई काम किया है, तो आपके ऊपर ये आरोप निरूपित होते हैं। और उस आरोप के रिगार्ड में जो है आप संस्थान के द्वारा आपके ऊपर स्पष्टीकरण भी मांगा जाता है आपसे, और वो स्पष्टीकरण जो है आपके सर्विस बुक में भी आपको अंकित किया जाता है। ना हो अंकित तो अच्छी बात है, अगर जो अंकित हो गया है तो शायद अब इसमें विभाग का वो कार्य है, वो उस स्पष्टीकरण के ऊपर क्या निर्णय लेते हैं। ठीक है, तो हालांकि ये पूरा नियम जो है, आप जो ये लेटर देख रहे हैं, ये पूरा जो है स्थानांतरण और पोस्टिंग से संबंधित लेटर ही है। ठीक है, जो अभी कार्य कर रहे हैं बिहार में, इसमें कोई किसी प्रकार का संशोधन नहीं हुआ है। तो हम ये ट्रांसफ़र का नियम, ठीक है, हम अगले वीडियो में आपको एक दूसरा वीडियो जिसमें हम आसानी से आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफ़र और पोस्टिंग से संबंधित जो भी नियम हैं, कब किया जाता है, ठीक है, कैसे किया जाता है, वो हम आपको उस वीडियो में बता देंगे। ठीक है, तो आपने देखा ये आरोप वही होता है। ठीक है, तो बाकी हम अगले वीडियो में बता देंगे आपको ट्रांसफ़र का नियम। ठीक है, और इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर जो वीडियो हमारे द्वारा दिया जाए तो आप तक जो है पहुंच सके। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे मैसेज आए थे जिसमें पूछा गया था कि आरोप पत्र जो मांगा गया है वो क्या है, इसीलिए हमने सोचा कि आपको एक वीडियो के माध्यम से बता दें। ठीक है दोस्तों, बाकी ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं। चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाले वीडियो आप तक पहुँच सकें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।